अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उमर आपके चैनल पर एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने बहुत मशहूर पेशावर की नमकीन गोश्त की रेसिपी ला रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थीस्ट रेसिपी है ये, बहुत आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए फिट रेसिपी है। ये किस तरह और कैसे ज़बरदस्त बनेगी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम, तो पेशावरी नमकीन गोश्त रेसिपी के लिए हमने एक किलो मटन लिया है, आधा किलो टमाटर मैंने छिलके इसको उतार दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे, एक चम्मच कूटा हुआ अदरक और लहसुन का, थोड़ा सा अदरक चॉप बारीक चॉप किया हुआ गार्निशिंग के लिए, 7 से 8 हरी मिर्चें, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड होगा। स्पाइसेस में सिर्फ इसमें 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक हसबे जायका और 1 गिलास पानी अदरक लहसुन का। रहीम, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, उसमें अभी क्या करेंगे जो मटन है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो शुरू में क्या करेंगे तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसको 7 से 8 मिनट फ्राई किया, अभी गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अभी क्या करेंगे, अदरक लहसुन का 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ही ऐड कर देंगे और साथ ही 1 चम्मच हसबे जायका नमक ऐड करेंगे अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक। नमक और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, 1 गिलास जो अदरक लहसुन का है वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको कवर करूँगा 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अभी तो मिलता हूँ 25 मिनट के बाद। रहीम, तो माशाल्लाह से 25 मिनट में हमारा गोश्त आप देख सकते हैं काफ़ी गल गया है और इसको मज़ीद और करेंगे। अभी क्या करेंगे, इधर टमाटर है अभी इसमें ऐड करेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अभी इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मिलता हूँ 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा बताता जाऊँ, ये पेशावर की नमकीन गोश्त की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है और इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, क्योंकि ये काले मिर्च में बनती है, सिर्फ ब्लैक पेपर स्पाइस में। पेशावर की ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो एंटीक्स खूसन इसमें जेम स्टोन जो है पत्थर है बहुत मशहूर है, इसके अलावा ओल्ड फैशन ज्वेलरी है, इसके अलावा पेशावरी चप्पल बहुत मशहूर है और कारपेट्स में पेशावर नंबर 1 है प्रोड्यूसर माशाल्लाह से। इसके अलावा शॉल्स जो हैं, पेशावरी टोपियां, ये सारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और हमारे फेमस दिलीप कुमार साहब हैं और राज कपूर साहब, ये यहाँ इनकी बर्थ हुई है किस्सा खानी बाज़ार पेशावर। तो हम कह सकते हैं जो दिलीप कुमार साहब के ये उनके शहर की ये रेसिपी है जिसका नाम पेशावरी नमकीन गोश्त रेसिपी है। तो माशाल्लाह से टमाटर अभी गलना शुरू हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं, मिक्स भी हो गए हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है और उसको अभी आंच को थोड़ा फ्लो कर, फ्लेम को हाई कर देंगे, भुनाई ज़बरदस्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी क्या करेंगे, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं ये इस पर छिड़का देंगे और थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे और हरा धनिया थोड़ा सी में छिड़का देंगे और इसकी फाइनल अभी भुनाई कर देंगे अच्छी तरह से भुनाई। तो माशाल्लाह से नाज़रीन ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। तो मिलता हूँ फाइनल लुक के साथ। ये पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, खुशियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम।